अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, दुनिया भर में जारी चिप बहरान ने ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब सनतों पर दबाव में इजाफा किया और कई मशहूर कारसाज कंपनियों ने अपनी पैदावार को आर्जी तौर पर मुअत्तल भी किया है। दुनिया के बदलते निज़ाम में इस वक्त अहम तरीन बहरान माइक्रोचिप का बहरान है। एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज भी चिप्स के शिकार के बायस अपने मोबाइल फ़ोन्स की फरोख्त में मुश्किल को फेस कर रही हैं। और दुनिया के इन बदलते हुए हालात के बारे में शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसकी वजह पाकिस्तान में बनने वाले नए सी पैक के तहत इकोनॉमिक जोन्स हैं, जहां आईटी प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सनतें लगाई जा रही हैं। अहम तरीन खुशखबरी ये है कि चीन पाकिस्तान में अपनी सनतें मुंतकिल कर रहा है और इसमें चिप्स इंडस्ट्री के बहरान को हल करने के इकदामात उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको नए होने वाले अहम माहदों के बारे में बताएंगे कि ये क्या है और कैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इनकलाब ला सकते हैं। एक आम आदमी कैसे इनसे फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार करते हुए अपनी जिंदगी को बदल सकता है। पाकिस्तानी हुकाम ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से सेमी कंडक्टर जोन बनाने का ख्वाह है, ताकि मुल्क को जदीद आलात में खुद कफील बनाया जा सके और इसकी नई तरक्की की हमवार राह हो सके। हालिया होने वाले दौरे के दौरान सेमी कंडक्टर्स की सनत को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए मुहायदों पे काम शुरू कर दिया गया है। याद रखें, ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए नहायत अहम भी है और चीनी सरमायाकार पाकिस्तान के साथ तआवुन के नहायत ख्वाहिशमंद है और टेक्नोलॉजी जोन को सेमी कंडक्टर जोन में तब्दील किया जाएगा। इस वक्त दुनिया के 80% माइक्रोचिप ताइवानी कंपनीज बनाती हैं और इसमें पानी की बड़ी मिकदार दरकार होती है। ताइवानी चिप साज कंपनियों की तंजीम TSMC के मुताबिक मुल्क के दर्जन चिप साज इदारे एक रोज में 1.5 लाख टन पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताइवान में एक अरसे खुश्क साली का राज रहा, जिसे चिप साजी पे भी बड़ा फर्क पड़ा। अब मजे की बात यह है कि इस इंडस्ट्री को अगर पाकिस्तान में परवान चढ़ाया जाए और एशिया को सप्लाई शुरू करता है तो ये दुनिया में एक नई जिद्दत पैदा करेगा। याद रखें, कारसाजी से हटकर इस वक्त माइक्रोचिप का बहरान हमा वक्त बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा असर जो दुनिया में पड़ा है वो ये है कि iPhone 13 की कीमत कुछ ज्यादा है और एप्पल कंपनी ने इसकी जिम्मेदार चिप के बहरान को ठहराया है। इसीलिए माहरीन इस दौर को माइक्रोचिप का आलमी कहत करार दे रहे हैं, जो अगले वर्ष मजीद शदीद हो जाएगा और यूं 2023 के आखिर तक ही हल हो सकेगा। याद रखें, दुनिया भर में शोभा साज कारसाजी में माइक्रोचिप बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन से कारों की आलमी फरोख्त में गिरावट वाकिया हुई है, जिसे बड़ी कंपनियों ने पैदावार नस्फ कर दी है। इसी तरह मुतलका चिप साज कंपनियों ने भी पैदावार कम कर दी है। तहम कई ममालिक में हालात बेहतर होने के बाद गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ तो अब चिप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। माइक्रोचिप ही के बदौलत जदीद कारों के ब्रेक काम करते हैं और स्टीयरिंग घूमते हैं। यही वजह है कि अब ऑडी BMW समेत कई कारसाज कंपनियों में माइक्रोचिप की शदीद कमी पैदा हो चुकी है और पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में गाड़ियों की सनअत सबसे ज्यादा मुतासर हुई है। बहरान की वजह अशिया की तरजीही खरीदारी भी है, यानी कोविड लॉकडाउन में लैपटॉप, कैमरा, टैबलेट की फरोख्त का रुझान रहा। यूं चिप साज इदारों की तवज्जो ऑटो इंडस्ट्री पे कम करके घरेलू मसनूआत पर मुंतकिल हो गई। इस वक्त दुनिया एक ऐसे बहरान से गुजर रही है जिसे अगर जल्द खत्म ना किया गया तो ये दुनिया को भूख और अफलास में मजीद धकेल देगी। दुनिया पहले से ही वबाए मर्ज कोविड से बदहाल है। चिप्स या सेमी कंडक्टरों की किल्लत ने कई ममालिक की मैशतों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। जहाँ इसी किल्लत के मनफी असरात तरक्की याफ्ता ममालिक में मुरतब हो रहे हैं, वहीं इसने हमारे मुल्क की मैशत पे बड़े गहरे असर मुरतब किए हैं। इसकी ताज़ा मिसाल मारुति सुजुकी कंपनी की है। मुल्क में सबसे ज्यादा कारें बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की है। उन्होंने कहा कि वो अपने साल की दूसरी सहमाई के मुकर्रा हदफ को पूरा करने में नाकाम रहे। कंपनी का हदफ ये भी था कि वो दूसरी सहमाई में 1,16,000 कारें बनाएंगे, लेकिन वो इस हदफ को पूरा ना कर सके। इसकी वजह चिप्स या सेमीकंडक्टरों की किल्लत है। वो न सिर्फ अपने हदफ को पूरा कर सके बल्कि इसके मुनाफा में तकरीबन 9.4% की कमी भी वाकिया हुई है। क्रिस्टल रेटिंग के मुताबिक मुल्क में कारों की फरोख्तगी में 11 से 13% की गिरावट देखी गई है। दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी से मरमूत मैशतें हैं, वहीं इसकी किल्लत के असरात भी बहुत ज्यादा नुमाए हैं। चूंकि हमारा मुल्क भी टेक्नोलॉजी से मरमूत मैशत है, इसलिए इसका बड़ा असर बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। मैशत पर जब भी असरात मुरतब होंगे तो इसका सबसे पहला नतीजा बेरोजगारी की शक्ल में सामने आता है।
और हम देख रहे हैं कि मुल्क में बेरोजगारी की क्या हालत है। ये तबाहकुन सूरत हाल एक तरफ तो दूसरी तरफ है हुकूमत कि कोई भी रोजगार के मौके फराहम ही नहीं कर रही। वो मौके फराहम करना तो दरकिनार, जहाँ लोग बढ़ सारे रोजगार है इन कंपनियों को भी फरोख्त करके इनको रोजगार से महरूम कर रही है। लेकिन अब ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में शुरू होती है तो ये निज़ाम को बदलने वाली बात है। चीन बहुत लंबे अरसे से इस मौके के इंतजार में था क्योंकि वो पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर के रास्ते मिडिल ईस्ट समेत अफ्रीका तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट समेत अपनी मसनूआत की तरसील कर सकता है। इस ज़मीन में चीनी सरमायाकारों में सीपैक के तहत बनने वाले अहम तरीन खसूसी इक्तिसादी जोन रिश्के इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी शुरू हो चुकी है। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में मोटरवे M1 पर वाकया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के तहत तकरीबन 22 अरब रुपए से बनने वाले रिश्के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखा गया। 1000 एकड़ रकबे पे मोहित ये सनती जोन खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और चीनी कंपनियों के मुश्तरका ग्रुप चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के तआवुन से बनाया जा रहा है। पेशावर और इस्लामाबाद मोटरवे पे मर्दान इंटरचेंज के करीब बनने वाला ये सनती जोन सीपैक के साथ बुरहान इंटरचेंज से लिंक किया जाएगा, जबकि कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब सवात एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होगा, जो जिला दीर और चित्राल के इलाकों को एक दूसरे से मुंसलिक करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक रिश्के इकोनॉमिक जोन से मकामी मार्केट में तकरीबन 2 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी ने इस जोन में कारोबार के लिए जगह के हसूल का ऑनलाइन सिलसिला भी शुरू कर दिया, जहां कोई भी सनअतकार मुकर्ररा फीस जमा करवा के जगह रेंट पे ले सकता है। आईटी के हवाले से भी आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस जोन में 500 किनाल जमीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाने का इरादा किया, जो रिश्के इकोनॉमिक जोन को मेन पावर फ्राहम करेगी। नाज़रीन, दुनिया गुज़िश्ता दहाई में बहुत तेजी से आईटी के बिजनेस की जानिब जा चुकी है। लैपटॉप और मोबाइल किसी भी वक्त में लग्जरी समझा जाता था, ये आज की ज़रूरत है। इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल लगता है और जैसे जैसे दुनिया डिजिटल और स्मार्ट होती जा रही है, वैसे वैसे इनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है। सॉफ्टवेयर और आईटी के कारोबार का मुस्तकबिल क्या है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि हमारे दोनों हमसाए जिस सूबे पर भी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं वो है आईटी। चीन की जानिब देखिए, 2018 में चीन का आईटी से रेवेन्यू $118 अरब था। 2020 की पहली छमाही में चीन के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 3.56 ट्रिलियन युआन यानी $508 अरब तक पहुंची है। ये गुज़िश्ता साल की नस्बत 6.7% का इजाफा है, जबकि मुतलका दौरानिया का 12.9% इजाफा बनता है। चीन ने गूगल के मुकाबले में अपना सर्च इंजन बनाया। इस कंपनी ने 2019 में $15,000 मिलियन से जायद का रेवेन्यू कमाया। दुनिया का मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और नेटवर्किंग के साथ था। दुनिया का मुस्तकबिल डिजिटल है। जो भी ममालिक आज शोबों में काम कर रहे हैं वो कल को अच्छा मुस्तकबिल देखेंगे। अगर आज हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए चिप की फराहमी की सनत पर काम करते हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर चिप्स की सनत लगने के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर रखा करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।